मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में कोरोना संकट के इस समय में लॉकडाउन होने की वजह से लोग काफ़ी परेशानी उठा रहे हैं। लोगों के घरों में ना ही राशन है, ना पैसे और ना ही रोज़े खोलने के लिए इफ्तारी का कोई बंदोबस्त है। जो लोग खाना और इफ्तार का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए मुमरा ठाकुर पाड़ा रोशनी महल के पास KGN वेलफेयर कमेटी ज़रूरतमंदों को रोज़ा खोलने के लिए इफ्तारी दे रही है। और साथ ही KGN वेलफेयर की तरफ से हर रोज़ 300 से 350 लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। ठाकुरपाड़ा रोशनी महल के पास जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो खुद जाकर खाना और इफ्तारी का सामान ले सकते हैं। KGN वेलफेयर कमेटी के असलम शेख ने क्या जानकारी दी है। देखो, मेरा नाम है असलम कुरैशी और हमारे कमेटी का नाम है KGN वेलफेयर सोसाइटी कमेटी। जो भी यहाँ पे इफ्तारी के लिए लोग आते हैं, ज़रूरतमंद लोग जो आते हैं उनको हम लोग इफ्तारी देते हैं। और हम लोग तो दावत ही देते कि भाई जिस किसी को भी ज़रूरत है वो आवे और इफ्तारी का सामान हमारे से ले जावे। और खाना भी बांट रहे हम लोग, खाना भी ले जावे। और कोई लोग जैसा है नीचे नहीं उतर सकते, ज़ईफ़ है, गुड्डे है, बेचारे शर्माते, तो उनके घर पे हम लोग बाकायदा होम डिलीवरी खाना पहुँचा रहे। तो कैसे आपको जो लोग नहीं आ सकते तो आप तक जानकारी कैसे पहुँचाएंगे कि हमें जो है अफ्तार और खाना चाहिए? यहाँ पर इस मोहल्ले नंबर वगैरह, हाँ, हम लोगों के नंबर सब लोगों के पास है। फिर यहाँ से लेके तो रेती बंदर सर्कल तक सब लोगों को मालूम आते, वो हमको फ़ोन करके बोलते हैं। तो हम लोग सबके घर घर पर हमारे वॉलंटियर जो है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो साथी है, वो सब बराबर पहुँचा रहे। अरे आज से नहीं पहुँचा रहे, जिस दिन से 22 मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया उस तारीख से लेके आज तक हमारा एक किचन का काम चालू है। वैसे तो मुमरा शहर में ऐसे भी और कई लोग और कई संस्थाएं हैं जो शहर के ज़रूरतमंदों तक, उनके घरों तक राशन और इफ्तार पहुंचा रहे हैं और इस संकट के समय में एक दूसरे की मदद कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।